आर्थराइटिस एक ग्लोबल एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है। हर वर्ग, हर उम्र के लोग को इस प्रकार की तकलीफ अब हो रही है। इसके अंदर जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़ाहट, चलने में कठिनाई, रात को सोने में तकलीफ और बैलेंस करने में तकलीफ, अधिकतम सिम्टम्स इस प्रकार के होते हैं। आर्थराइटिस लार्जली दो प्रकार का है। एक वो जो उम्र के साथ आता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये अधिकतम वेट बेयरिंग जॉइंट्स जैसे हिप्स हैं या नीज हैं उनके अंदर होता है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसके अंदर बहुत से प्रकार के आर्थराइटिस हैं और इनके साथ बहुत सी अलाइड डिजीज़ भी होती हैं। इसके अंदर बहुत से जोड़ एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और प्रकार के इन्वॉल्वमेंट्स भी रहती हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे पास आर्थराइटिस के दो या तीन बेसिक पड़ाव या स्टेप्स हैं। पहले स्टेप के अंदर हम लोग उसको ट्रीट करते हैं एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन टू रिस्ट्रिक्ट डिजीज़ जिसको हम लोग डीमार्ड्स बोलते हैं, या वो दवाइयाँ जिनसे पेन या स्वेलिंग कम होती है। फिर उस प्रकार की दवाइयाँ जिनमें कंजेक्चर किया जाता है कि कार्टिलेज या जो जोड़ की ऊपर की सतह है उसमें रिफॉर्मेशन होता है, जैसे कि ग्लूकोसामीन है या कोलेजन है। इनके लिए कहना चाहूँगा कि इसके लिए कोई इस प्रकार का प्रूफ नहीं है कि ये हरदम काम करते हैं। दीज आर कंजेक्चरल ट्रीटमेंट्स। उसके अगला स्टेप जो है उसके अंदर इंजेक्शंस गिने जाते हैं। इंजेक्शंस के बारे में बोलना चाहूँगा कि इंजेक्शंस एक प्रकार का स्टॉप गैप ट्रीटमेंट है, जो हम लोग सोशल या मेडिकल रीजंस के लिए फर्दर ट्रीटमेंट में अगर हमें स्पेस चाहिए या टाइम चाहिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इंजेक्शंस एक स्टॉप गैप ट्रीटमेंट है, दे आर नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ डिजीज़। ये हमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसका अगला ट्रीटमेंट स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सर्जरी का है। सर्जरी के अंदर एसेंशियली इट मींस रिप्लेसमेंट सर्जरी। कई बार हड्डी को काट के उसको अलाइन भी किया जाता है और कई बार दूरबीन डाल के जोड़ की सफाई भी की जाती है। हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं और अगर इंडिकेशंस के अंदर काम किया जाए तो रिजल्ट्स यूजुअली अच्छे होते हैं। आज के दिन में जोड़ बदलने की प्रक्रिया या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। एनेस्थीजिया में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, मोबिलिटी मतलब ऑपरेशन के बाद आप कब चल फिर पाएंगे, एंड रिटर्न टू एक्टिविटी, रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत चेंज हुआ है। इम्प्लांट का डिज़ाइन और जो मेटल यूज़ करते हैं उसके अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। आज के दिन में फॉर नॉर्मल आर्थराइटिक पेशेंट्स दीज सर्जरीज डू नॉट लास्ट, दीज सर्जरीज विल गिव यू अ लाइफ ऑफ ओवर 20-25 ईयर्स। प्रिवेंशन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइजेस, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस, मैनेजिंग कैल्शियम, स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड गोइंग फॉर अ वॉक, अगर हम इनका फॉलो करें तो आर्थराइटिस को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.